फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल, इसको और मल्टीप्लीकेशन करके लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स इक्वल टू हो गया कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका माइनस कॉट एक्स, और इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉसेक एक्स, और चूंकि इंटीग्रेशन करें तो एक और कॉन्स्टेंट जोड़ेंगे प्लस सी, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका आंसर।